उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ भगवान का भजन था, बाकी कुछ नहीं, कोई डर नहीं मरने का। ऐसा लगा जैसे जो है माँ गंगा जो है भगवान को नहलाने आ गई है, और हम वहाँ हाहाकार मच गया। जो धर्म हमारा धर्म प्रतीक बच गया यहाँ पे, आज हमारी पहचान बच गई। कंठे यश विराज देहि गरलम गंगा जलम मस्तके मांगे गिरिराज राज तनिया जाया भगवान स्थिता नंदी स्कंद गणादिनाथ सहिता केदारनाथ प्रभु केदारांचल सस्तो इष्टतम कुर्यात्सदा मंगलम। भगवान श्री केदारनाथ हिमालय में विराजमान, द्वादश ज्योतिर्लिंग में से सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम, और केदारनाथ धाम पांडव शैली का मंदिर जो बना हुआ है। पूरा प्राचीन काल से पांडव लोग यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति के लिए पांडव लोग यहाँ पहुँचे थे। यहीं पे उन्होंने अपने शरीर को त्याग लिया था, और यहीं पे उनको जो है भगवान शंकर ने दर्शन दिए, और भगवान शंकर ने उनको पशु के रूप में दर्शन दिए थे। और बोलते हैं ना कि भगवान शंकर ने जब यहाँ पे आए पांडव लोग, तो पांडव लोग यहाँ पे असमंजस में पड़ गए थे कि प्रभु अब आप हमारी कितनी परीक्षा और लेंगे। तो पांडवों जब पांडव लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे नाना प्रकार के पशु विचरण कर रहे थे। तब उनको पशु को देखा तो उन्होंने कहा कि भाई न जाने, धर्मराज युधिष्ठिर को पता हो गया था कि इन्हीं में निश्चित भगवान शंकर विराजमान होंगे। तो भीम को कहा गया तो आप इन पशुओं को हाँकते जाओ हाँकते, एक ने जो है आनाकानी कर दिया। जो ही वो समझ गए थे इसी में भगवान शंकर निहित हैं, जो ही भीम ने उस पशु को जो ही पकड़ना चाहा, वो ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ पे प्रकट हो गई है। तो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग ज्योत का मतलब स्वयं प्रकाश, जिसमें इतनी दुनिया करोड़ों दुनिया यहाँ पे अपने आप पहुँच रही है और भगवान का आशीर्वाद लेने पहुँच रहे हैं। और केदारनाथ निश्चित उनका यात्रा सफल करते हैं, और ये पांडव काल का बना हुआ है, और हम यहाँ पे केदारनाथ के पुरोहित आदि काल से यहाँ पे पूजा करते हैं, और हकाधारी पुरोहित हैं हम यहाँ पे। मैं गणेश चंद्र शुक्ला यहाँ पे कई वर्षों से यहाँ पे अपने जजमानों की पूजा करते हैं, और भगवान उनको सफल आशीर्वाद देते हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये परंपरा बनी रहे, और ये भगवान केदारनाथ ये तीर्थ है, ये तीर्थ ही बना रहे, ताकि यहाँ पे लोग पूजा करने आए और भगवान का आशीर्वाद लेने आए। 2013 में एक महाप्रलय आया था यहाँ पे, भीषण महाप्रलय जिसको बोलते हैं। ऊपर चोराबाड़ी ताल से बोलते हैं कि बादल फट गया था, चोराबाड़ी ताल था, पूरा ताल फट गया था, और वहाँ पे जो है एक विशाल शिला के रूप में यहाँ पे विराजमान भीम शिला इसको कहा जाता है। और जब हम लोग मंदिर के अंदर भागे थे, कई लोग मंदिर के अंदर भागे, कई लोग बाहर से आ रहे थे, कई लोग ऐसे ही बह गए थे, और हम तो मंदिर के अंदर गए थे। वहाँ पे पूरा जल प्रलय वहाँ अंदर भी हो गया था। ऐसा लगा जैसे जो है माँ गंगा जो है भगवान को नहलाने आ गई है, और हम वहाँ हाहाकार मच गया। और हमारी हाहाकार जो है, जो अंदर बैठे थे जितने लोग, हमारी जो है भगवान ने परीक्षा सुनी, और यहाँ पे भीम शिला के रूप में जो है विराजमान होगी। और भगवान ने देखिए, भगवान ने अपने मंदिर को बचा दिया, अपने परिवार को बचा दिया। बाहर में बड़ा नंदी है, वो नंदी बच गया, और नीचे गौरा माई मंदिर है, गौरा माई मंदिर बच गया। ये भीम शिला जो ही यहाँ पे आ गया, और यहाँ से पानी डाइवर्ट हो गया, नदी डाइवर्ट हो गई, और यहाँ पीछे बहुत बड़े बड़े आश्रम थे। यहाँ पे भारत सेवा आश्रम था, शंकराचार्य समाधि था, पुलिस चौकी थी, मोदी भवन था, शराब कॉटेज था, चांद कॉटेज था, बिरला जी का भवन था, वो सब चले गई, और यहाँ पे भगवान केदारनाथ जी का मंदिर जो है सुरक्षित बच गया। और सुरक्षित वो बच गए तो हम भी अंदर बच गए, और आज हम फिर अपने जजमानों की पूजा पाठ कर रहे हैं। ये भगवान का चमत्कार है। तो कितने लोग उस समय अंदर आ गए थे? उस समय 200-250 लोग अंदर घुस गए थे, और लोग आ ही रहे थे, लेकिन पीछे से महाप्रलय आ गया, वो हवा में जैसे उड़ गए। सारा मलबा और पानी डाइवर्ट हो गया, पूरा ये भीम शिला आने से नदी डाइवर्ट हो गई, जैसे भीम ने जो है अपनी पीठ को लगा दिया हो, और भगवान मंदिर को बचा दिया हो, और इसको भीम शिला का दर्जा दिया गया, और इसकी पूजा पाठ होती। 2013 से पहले यहाँ पर कोई शिला कुछ नहीं था, यहाँ पीछे शंकराचार्य समाधि था, दंड स्थल था यहाँ पे। यही तो भगवान की कृपा है ना, पांडवों की, पांडव लोगों ने अपना मंदिर को बचा दिया। भगवान ने आदेश दिया है, पांडवों आज तुम्हारा बनाया हुआ मंदिर धर्म संकट में है, क्यों नहीं आप अपने मंदिर की रक्षा करते हो। तो भीम ने अपने जैसे पीठ को लगा दिया, और अपने मंदिर को बचा दिया। और जगह इतना प्रलय नहीं आता, केदारनाथ में है। और बोलते हैं ना धर्म धर्म, यही है धर्म, जो धर्म हमारा धर्म प्रतीक बच गया यहाँ पे, आज हमारी पहचान बच गई। अगर ये धर्म का प्रतीक ही निकल जाता तो हिंदू धर्म को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, सनातन धर्म बचा रहे,
और सनातन धर्म को मानने वाले लोग अच्छे रहें और ऊंचे पद पे रहें। तो बहुत अच्छा लगा पंडित जी आपसे बात करके, काफ़ी हमारी ऑडियंस को भी अच्छा लगा आपकी बात सुन के, आपने बताया कैसे धर्म की रक्षा करी पांडवों ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल से शुक्रिया। ज़्यादा लोग तब वहाँ ख़त्म हुए जो पहाड़ियों के रास्ते दूसरी पहाड़ी निकलने, जैसे मतलब यहाँ से त्रिजुगी नारायण जाना है, लेकिन अनुभवहीन लोग रहे कि जिनको ये पता नहीं है कि आगे क्या है। जब मेरी धर्मशाला में फंसे थे बहुत सारे यात्री भी, लोकल भी, लोकल लोग ही खुद रो रहे हैं, पंडित लोग ही रो रहे हैं, हमारे बाल बच्चे कैसे पलेंगे, क्या होगा, कैसे मर गए, क्या गुनाह किया था, और भगवान बचाओ बचाओ। बस भगवान की पता नहीं क्या प्रेरणा थी उस समय, मेरे दिमाग में सिर्फ भगवान का भजन था, बाकी कुछ नहीं, कोई डर नहीं मरने का, सिर्फ यही था कि बस एक मिनट एक पल अगर हमारी जो कुछ ज़िंदगी है भगवान का नाम ले लेते हैं, हो सकता बच्चों का कुछ बेड़ा पार हो जाए। बस दुख तो मुझे भी बहुत था कि भाई मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, पता नहीं क्या स्थिति होती है, लेकिन भगवान ने ऐसी प्रेरणा दे दी कि सामने भैरवनाथ जी हैं, मेरी खिड़की से सीधे सामने भैरवनाथ जी दिखते थे। अरे मैंने कहा अभी तक हम बही नहीं हैं, हमारा मकान फिलहाल सुरक्षित है क्योंकि भैरवनाथ जी सामने पे दिखते हैं। सब लोगों ने मेरे को जगाना शुरू कर दिया कि आपके दिमाग में कैसे आ गए, आपने तो हमको बचा दिया, हम जीते जी मर रहे थे, आपने बचा दिया हमको। तो बस अब भगवान की कृपा, अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं। हमारे भगवान अंदर हैं या तो आप ही लोग हैं जिनके पीछे हमारे बाल बच्चे पलते हैं, है कि नहीं।